गुड मॉर्निंग क्लास वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी. सो क्लास वन, टुडे आई एम टेकिंग अ टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 और 4. आज हम आपका लाइव क्लास में टेस्ट ले रहे हैं, बट ये वाला जो पार्ट है वो तो हम लाइव क्लास में लेंगे. ओके, लास्ट क्लास में हमने बारिश की ऋतु के उसका बुक वर्क कम्प्लीट कर लिया था, और आपने ये वाला जो पार्ट है शब्द और शब्दार्थ ये दोनों हमने नोटबुक में कर लेते. अभी आज आपको सिर्फ ये जो मैम दिखा रहे हैं ना, आपको सिर्फ ये एक पेज का जो नोटबुक वर्क है वो आपको अपने हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करना है. ठीक है, मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगी, जो हमारी बारिश की ऋतु है ना उसका वर्क है. ओके, सो आज डेट क्या है? सबसे पहले आज क्या डेट है बताओ? 27 यानी 27th ऑफ अगस्त, 21 यानी 21 गृह कार्य एंड शुक्रवार. ओके, नाउ वाक्य बनाओ. मैम ने देखो आपको कितने दिए, 1, 2 और 3. हमने 3 शब्द है, बारिश, मयूर और वृक्ष. कल बारिश आई थी, आप चाहो तो ये लिख देना, नहीं तो आप अपने मन से भी दूसरा बना सकते हो. मयूर, मयूर यानी मोर, मयूर नाच रहा था. ठीक है, वृक्ष, वृक्ष हरा भरा बन गया. ओके, फिर लास्ट है प्रश्न उत्तर. एक ही प्रश्न है आज, बहुत इजी है. प्रश्न क्या है? आपका जन्मदिन कौन सी ऋतु में आता है? तो मैम ने इसका आंसर क्या लिखा है? मेरा जन्मदिन, फिर मैम ने देखो यहाँ पे डैश किया है, इसका मतलब है आप सारे बच्चे अपना जो आपका जो बर्थडे है वो किस ऋतु में आता है, यानी किस मौसम में आता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे. ठीक है, इसलिए मैम ने यहाँ पे डैश किया है. आपको डैश नहीं करना है, आपको अपने ऋतु यानी अपने मौसम का नेम मेंशन करना है. ठीक है, जैसे अगर किसी का मई में आता है, मई में, तो यानी गर्मी में, तो क्या लिखोगे? गर्मी की ऋतु में आता है. ओके, किसी का सर्दी में आता है तो वो क्या लिखेगा? सर्दी की ऋतु में आता है. आपको मंथ के नेम नहीं लिखने, यहाँ पे महीने का नाम नहीं लिखना है, हमें ऋतु का नाम लिखना है. ओके, सो ये एक पेज का वर्क है, मैं इसका PDF शेयर करूँगी, जो आपको अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करना है. ओके, थैंक यू एवरीवन.